ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में किस प्रकार हम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले। पल आप लोग करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है IRCTC रेल कनेक्ट। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद 4 डिजिट का पिन कोड सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेट करने के बाद सिंपल लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको प्लान वाइज जोन क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म स्टेशन, टू स्टेशन, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद कोटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद फर्स्ट ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस रूट पे जितने भी ट्रेन होंगे देखने आपको जाएंगे और किस ट्रेन में कितने सीट अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पोरबंदर मुजफ्फरपुर स्पेशल है जिसमें हमारा स्लीपर में 32 सीट अवेलेबल है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेना है। सीनियर सिटीजन कोटा में जब भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, यदि आप फीमेल है तो 45+ होना चाहिए और यदि मेल है 60+ होना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे 60 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। जब भी आप लोअर बर्थ कोटा में टिकट बुक करते हैं तो एक साथ आप लोग दो ही नाम का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। जोनी डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक बार कैप्चर फिल कर लेना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। देख सकते हैं फाइनली हम पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट या फिर आप लोगों का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इजीली की बात किया जाए तो यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पे पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपके मोबाइल फोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको टाइप करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।